हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी अपने बालों को चमकदार, सिल्की और लंबा घना बनाना चाहते हो? तो इस जेल का इस्तेमाल कीजिएगा। इस जेल को हम सिर्फ दो चीज़ों से बना के रेडी किया है। और फ्रेंड्स, जो आप मार्केट से महंगे प्रोडक्ट खरीदते हो, आज मैं आपको बहुत ही सस्ते में सिर्फ दो चीज़ों से जेल बनाना बताऊंगी, जिससे लगाने से आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, बालों में चमक आ जाएगी, बालों में अच्छे से ग्रोथ होने लगेगी, जिससे आपके बाल लंबे हो जाएंगे। इसको बनाना कैसे है, चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस जेल को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पतीला लेंगे, उसमें एक गिलास पानी का डाल देंगे और गैस को मीडियम लो फ्लेम कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये जेल बनाना है तो वीडियो को लास्ट तक फॉलो कीजिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हमने कैसे बनाया है। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच अलसी के, इसको कई जगह तीसी के नाम से भी जाना जाता है और इंग्लिश में इसको फ्लेक्स सीड के नाम से जाना जाता है। तो आप ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। तो 2 छोटे चम्मच हमने इसमें अलसी के डाल दिए हैं। इसी के 2 छोटे चम्मच हम इसमें चावल का आटा डाल देंगे। ये दोनों चीज़ें फ्रेंड्स बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा वरदान भी बोल सकते हो कि बालों के लिए वरदान है दोनों चीज़ें, क्योंकि ये बालों के लिए कंडीशनर का काम करती है। जो बाल हमारे झड़ने शुरू हो गए हैं, बालों में बिल्कुल ग्रोथ नहीं हो रही है, रूखे सूखे बाल हैं, तो ये जेल एक ऐसा जेल बनेगा कि जो भी हमारे बालों में समस्या है सारी दूर हो जाएगी। बहुत ही सस्ते में हम इस जेल को घर पे ही बनाएंगे। तो गैस को मीडियम लो फ्लेम करके इस जेल को हमें 10 मिनट पकाना है और इसको चलाते रहना, नहीं तो नीचे ये लग जाएगा। गैस को मीडियम लो फ्लेम करके आपको 10 मिनट पकाना है। तो फ्रेंड्स, अलसी और चावल का आटा बालों के लिए बहुत ही गुणकारी होते हैं, बहुत ही लाभदायक होते हैं। इससे बाल इस चमकदार बनेंगे। जिसके बाल झड़ रहे हैं या बालों में बिल्कुल भी शाइनिंग नहीं है, बिल्कुल भी चमक नहीं है, जो एंटीना जैसे खड़े रहते हैं, सारी समस्या इस जेल से हट जाएगी और बहुत ही सस्ते में ये बन जाता है। इसमें हमने सिर्फ 2 चम्मच चावल का आटा डाला है, 2 चम्मच अलसी डाली। अलसी मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है, ब्राउन कलर के छोटे छोटे बीज होते हैं और ये सस्ती भी होती है, ज़्यादा महंगी नहीं होती, हर किराने स्टोर पर आपको मिल ही जाएगी। तो इसको चलाते हुए हमें बनाना है। तो 10 मिनट हमें इसको लगातार चलाते हुए फ्रेंड्स पकाना है। इससे पहले आपको गैस को बंद नहीं करना है। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी यूजफुल लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, ताकि ऐसी मैं नई नई यूजफुल वीडियो आपके लिए ला सकूं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और जो पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए, बातों ही बातों में हमने इसे 10 मिनट ये इसको पका लिया है। तो ये देखिए, एकदम गाढ़ा पनीर में आ गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो 10 मिनट हो गए हैं, इसको पका लिया। अभी नीचे गैस से उतार लेते हैं इसको और फिर 10 मिनट के लिए इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये जल्दी ठंडा हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि 10 मिनट ही लगे। तो ये जैसे ठंडा होगा फ्रेंड्स, ये गाढ़ा बन जाएगा। तो आप इसको सीधा ऐसे भी छान सकते हो। अगर छानना सीधा है तो आपको गर्म गर्म में छानना, नहीं तो ये जेल एकदम, ये अलसी जेल अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा तो छन नहीं पाएगा अगर हम इसका पेस्ट बनाएंगे। क्योंकि छानने से फ्रेंड्स अलसी के जो बीज है, अलसी हमारी वेस्ट चली जाएगी। छानने से क्या होगा था कि पूरा पेस्ट हमें मिलेगा, क्योंकि अलसी बहुत ज़्यादा गुणकारी है। तो इसको हम फेंकेंगे नहीं, छानने के बाद अलसी के बीज तो रह ही जाते, फिर फ़ायदा क्या करेगा। लेकिन हम ये देखिए, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। अभी हम क्या करेंगे, इसका बनाएंगे पेस्ट, और उसमें हम लास्ट में एक चीज़ और ऐड करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए, बहुत ही अमेजिंग ये जेल बनने वाला है। इसको आप चमत्कारी जादुई जेल बोल सकते हो। अगर इसको आपने 3-4 बार इस्तेमाल कर लिया बालों में, तो 3-4 बार, एक दो बार में तो आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ। विश्वास आप कर सकते हो मेरी बातों पर, क्योंकि मैं मेरे लिए ही जेल बना रही हूँ। तो इसको मिक्सी जार में डाल लेते हैं। आप 1-2 बार लगाओगे तब भी आपके झड़ने बंद हो जाएंगे, और इसको हफ्ते में आपको 2 बार लगाना है। तो देखिए, हम इसको मिक्सी जार में डाल लेते हैं, इसका पेस्ट हम बना लेंगे। इसके बीज सारे पिस जाएंगे, इसका बारीक पेस्ट हमें बना लेना, स्मूथ सा पेस्ट बनाना। बहुत ही आसानी से फ्रेंड्स ये बन जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। पेस्ट बनाएंगे तब और ये पतला हो जाएगा। तो चलिए पेस्ट बना के दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए, यहाँ हमने इसका पेस्ट बना लिया है, इसको अलग बर्तन में हम निकाल लेंगे। अभी देखिए, अलसी का कोई भी बीज नहीं है, तो अलसी हमारी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगी, सारी हमारे बालों में लगेगी।
तो इसमें हम एक चीज़ और ऐड करेंगे, इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं घर पे बनाया हुआ ऑयल का यूज करूँगी, आप इसमें नारियल का ऑयल भी यूज कर सकते हो। अगर आपको बालों के लिए हेयर ग्रोथ के लिए ऑयल चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हो, मैंने वेट लॉस चूर्ण भी बना रखा है। अगर आपको वेट के लिए चूर्ण चाहिए तो मेरे चैनल पे बहुत सारे मैंने वीडियो डाल रखे, तो आप जाके फ़ायदा उठा सकते हो। तो ये देखिए इसमें एक चम्मच के करीब हमने ये ऑयल डाला है, ये मेरा घर का बनाया हुआ ऑयल है। तो अगर आपको ये ऑयल का वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये फ्रेंड्स इतना चमत्कारी जेल बन गया है ना कि इसको आप एक दो बार लगाने से आपके बालों में इतनी चमक आ जाएगी, बाल आपके स्ट्रेट हो जाएंगे। जो एंटीना जैसे बाल हमारे रूखे सूखे बाल खड़े रहते हैं वो खड़े नहीं रहेंगे, बालों की हर समस्या इसमें मिट जाएगी और बाल बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे, बालों की ग्रोथ हो जाएगी और जो वाइट बाल हो रहे हैं वो भी काले होने शुरू हो जाएंगे, वाइट बिल्कुल नहीं होंगे। जो टाइम से पहले जो वाइट हो जाते हैं वो समस्या भी आपकी हट जाएगी, यानी कि बालों की हर समस्या मिट जाएगी इस जेल लगाने से। तो इसको लगाना आपको बाल धोने से आधी एक घंटा पहले लगाना है, बालों को जड़ में अच्छे से मसाज करके पूरे बालों पे आपको इसको लगाना है। लगा के आपको आधी घंटा या एक घंटा छोड़ देना है, उसके बाद आपको शैम्पू कर लेना है और आपको हफ्ते में दो बार ही लगाना है इसको। तीन चार बार इस्तेमाल करने से आपके बालों में बहुत ज़्यादा फर्क आएगा, आपके बाल लंबे हो जाएंगे, आपके बालों की ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी और बालों में चमक तो इतनी अच्छे से आएगी कि आप पूछो ही मत। तो फ्रेंड्स अगर ये मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर देना और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।